नमस्कार, मैं सौ अर्पिता सुनील पांडव। हम जानते हैं कि 2 अक्टूबर हमारे राष्ट्रपिता बापूजी का जन्मदिन समारोह हम मनाते हैं। तो आज हम इसी समारोह के अवसर पर महात्मा गांधी जी के जीवन में घटी घटनाएं देखते हैं। उनके जीवन में कुछ प्रसंग जो है वह छोटे छोटे प्रसंग होते हुए भी कैसे वो हमारे जीवन में जीने की राह बताते हैं, यह एक छोटी सी कहानी से हम देखते हैं। जब बापूजी छोटे थे और उनका नाम हम सब जानते हैं मोहनदास था, लेकिन उनकी जो माताजी थी वो माताजी उन्हें प्यार से दुलार से मोनिया कहके बुलाती थी। और मोहनदास यानी बापूजी के घर के पास एक बड़ा सा कुआ था और उस कुएं के पास बहुत सारे पेड़ भी थे, और इसीलिए उनकी माँ या घर के बड़े लोगों ने छोटे छोटे बच्चों को इस पेड़ पर चढ़ने से मना कर दिया था। लेकिन बापूजी जब छोटे थे, मोहनदास जब छोटे थे, उन्हें इस पेड़ पर चढ़ना बहुत अच्छा लगता था, और इसीलिए बड़ों की नजर नहीं है यह देखकर वो क्या करते थे, हमेशा इस पेड़ पर चढ़ने की कोशिश करते थे। और ऐसे ही एक दिन इस कुएं के पास जो पेड़ था उस पेड़ पर हमेशा की तरह मोहनदास पेड़ पर चढ़ने लगे। और उसी वक्त मोहनदास जी के बड़े भैया उन्होंने यह देखा कि मोहन सबकी नजर छुपाकर यह पेड़ पर चढ़ रहा है। उन्होंने मोहन को डांटा, नीचे उतरने के लिए कहा, लेकिन मोहन ने साफ इनकार कर दिया, मैं नहीं उतरूंगा, यह कहकर वो वहां ही टिके रहे। और इस पर मोहन जी के बड़े भैया वहां आए और उन्होंने जोर से चाटा लगाया, और चाटा लगने के बाद मोहन जी पेड़ से नीचे उतरे, लेकिन वो जोर जोर से रोने लगे, और रोते रोते वो अपने घर में बैठे माँ के पास गए। लेकिन माँ कुछ काम करने में व्यस्त थी। मोहन अपने माता जी से कहने लगा कि माँ देखो ना, भैया ने मुझे चाटा मारा है और तुम उसे डांटो, अभी के अभी डांटो, नहीं तो तुम उसे मारो, मुझे देखो उसने कितना बड़ा जोर से चाटा मारा है। लेकिन हम जानते हैं कि घर में यदि माँ कुछ काम में व्यस्त हो तो यह छोटी छोटी शिकायत सुनकर भी अनसुना कर देती है। और उसी तरह मोहन जी के माता जी ने भी यही किया। उन्होंने यह मोहनदास जी की जो कहना था वह कहना सुनकर भी अनसुना कर दिया। लेकिन मोहन जी चुप नहीं बैठे, वो बार बार अपने माता जी को कहने लगे, देखो माँ आप उसे डांटो, आप उसे डांटो। अंत में गुस्सा होकर माँ ने मोहनदास जी से कहा कि मोनिया, तुझे तुम्हारे भाई ने मारा है ना, तुम भी जाओ और उसे एक जोर का चाटा लगा दो। हम जानते हैं घर में कुछ कबार कभी कभार ऐसी घटनाएं होती रहती है, तो मोहनदास जी के जीवन में भी ऐसी घटना हुई। लेकिन मोहनदास जी बचपन से ही अपनी माँ की हर बात बड़े ध्यान से सुनते थे, और उन्होंने यह बात भी सुनी थी कि माँ ने कहा था कि बड़ों का आदर करना, कभी भी बड़ों से ऊपर की आवाज में भी बात मत करना। और जब ये वही माँ जब कहती है मोहनदास जी से कि जाओ तुम तुम्हारे बड़े भैया को चाटा मार दो, तब मोहनदास अपनी माँ की तरफ आश्चर्यचकित होकर कहते हैं कि माँ ये तुम क्या कर रही हो, क्या कह रही हो, भैया मुझसे बड़े, मैं उन्हें कैसे चाटा मार सकता हूँ। हाँ यह सही है कि आप भैया से बड़े हैं, इसीलिए आप भैया को डांट सकते हैं, उन्हें समझा सकते हैं कि आगे से वो मुझे चाटा न मारे, लेकिन मैं भैया से छोटा हूँ और इसीलिए मैं उन्हें कुछ भी नहीं कह सकता या उनके आदर करता हूँ और इसीलिए मैं उन्हें चाटा नहीं मार सकता। और यह बात जब मोनिया यानी मोहन जी ने अपनी माँ से कही तो माँ को बड़ा अपनी गलती का एहसास हुआ और बड़ा बुरा लगा कि यह मैंने क्या कह दिया। उन्होंने झट से मोहन को अपने पास बुलाया और गले से लगाया और कहा, मोनिया तू मेरा राज दुलारा है, मेरा बड़ा प्यारा बेटा है, और इसी तरह तुम हमेशा सच्चाई और ईमानदारी के रास्ते पर ही चलना। देखो ये छोटी सी कथा है, लेकिन यह कथा हमें हमारे जीवन में जीने की राह बताती है। और ऐसे ही अनेक प्रसंग है जो हम आगे भी हमारे कथाओं में जानेंगे। अभी के लिए बस इतना ही।
यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो आप इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।